हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी, आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। ये गाड़ी है हुंडई i10 2009 मॉडल, और इसमें प्रॉब्लम आया है पावर स्टीयरिंग। तो आपको इसका प्रॉब्लम बताता हूँ किस टाइप में प्रॉब्लम आया। सबसे पहले आप तो मीटर में देखें, यहाँ पे EPS लाइट अभी तो बंद हो गई है, ये कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। और जब ये लाइट चली जाती है तो स्टीयरिंग फ्री हो जाता है, ठीक है। और अभी मैं स्टीयरिंग को पकड़ कर रखूँगा थोड़ा देर तक, किधर भी टर्न मार करके, तो आप देखेंगे इसमें EPS का लाइट वापस से आ जाता है। और ये इसका स्टीयरिंग पूरी हार्ड हो जाती है, देख रहे हो। तो ये है इसकी प्रॉब्लम। अभी लाइट भी ऑन हो गया है और स्टीयरिंग भी हार्ड हो गया है। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस कैसे करें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी इसको हम करेंगे स्कैन और देखेंगे स्कैनर में फॉल्ट क्या आता है। अभी हार्ड होने की दो वजह हो सकता है, एक तो इस गाड़ी का ज़्यादा करके मोटर जाती है, पावर स्टीयरिंग मोटर, और दूसरा उसका EPS कंट्रोलर जो मॉडलर आता है वो जाती है। तो अभी हम देखेंगे स्कैनर में फॉल्ट क्या बता रहा है। तो सबसे पहले करते हैं इसको स्कैन, हम जाएंगे हुंडई में। तो आप देख सकते हैं ये फॉल्ट कोड आ रहा है C1604 ECU ब्रेक सिस्टम हार्डवेयर एरर। तो अभी हम जब क्लियर कर देंगे इसको तो हो सकता है वो लाइट चली जाएगी, देख सकते हैं अभी भी लाइट है। तो अभी फॉल्ट को हम क्लियर करते हैं। नो ट्रबल कोड, और यहाँ से लाइट चला गया, ठीक है। और अभी देखेंगे आपका स्टीयरिंग नॉर्मल हो चुका है पूरा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टीयरिंग अभी नॉर्मल हो गया है। और फिर से हम थोड़ा इसको एक साइड में, कोई भी साइड में इसको इस तरह से थोड़ा सा खींच के रखेंगे स्टीयरिंग को। झटका लेकर के और यहाँ पे लाइट आ गया, देख रहे। तो ये है इसमें प्रॉब्लम। अभी उसके लिए हम इसको सबसे पहले इसका जो मॉडलर है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का जो मॉडलर है वो रिप्लेस करके देखेंगे, क्योंकि इसकी मोटर चल रही है। मोटर अगर नहीं चलती थी तो ये जो स्टीयरिंग है कंटिन्यू हार्ड रहता था। तो फॉल्ट को क्लियर करने के बाद में इसका स्टीयरिंग नॉर्मल हो जा रहा है, फिर से वही फॉल्ट आ गया है। और फिर से हम क्लियर करेंगे इसका फॉल्ट, फॉल्ट क्लियर कर दिया और लाइट फिर से चली गई है। और अब देखेंगे ये स्टीयरिंग थोड़ा थोड़ा झटका दे रहा है, देख रहे हो, मेरा हाथ वहाँ पे नहीं है, ये देखो ये अपने आप झटका दे रही है। तो इस कंडीशन में मोटर का प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो मॉडलर है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको मैं इसका मॉडलर को रिप्लेस करते हैं और फिर इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं वो दिखाता हूँ मैं आगे। तो ये है इसका मॉडलर, EPS मॉडलर। अभी हम इसको खोलेंगे नहीं, सिर्फ सॉकेट निकाल करके और जो मेरे पास में मॉडलर है उसको लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास में यूज गाड़ी का है और ये चालू है। तो अभी इसको लगाते हैं। मैंने ये सॉकेट वगैरह इसको बिठा दिया हूँ।
तो अभी गाड़ी करते हैं स्टार्ट और पावर स्टीयरिंग एक बार चेक कर लेते हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया और ईपीएस का लाइट था वो चला गया और स्टीयरिंग भी देख लेते हैं। तो स्टीयरिंग भी स्मूथ है और एक बार पकड़ के रखते हैं स्टीयरिंग। स्टीयरिंग पकड़ने के बाद मैं झटका दे रहा था और ईपीएस का लाइट आ जा रहा था। तो कोई झटका वगैरह तो लग रहा नहीं हाथ में और पहले झटके दे रहा था और ऐसे स्टीयरिंग में भी अपने आप झटके आ रहा था उसमें, तो वो भी नहीं दिख रहा है। अभी इसका फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग रेड फॉल्ट कोड नो ट्रबल कोड, कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। फिर से एक बार गाड़ी बंद करके स्टार्ट करते हैं। लाइट चली गई, स्टीयरिंग स्मूथ। फिर से एक बार स्कैनर फॉल्ट कोड देखते हैं। नो ट्रबल कोड, तो कभी भी C1604 अगर कोड आ रहा है तो सबसे पहले आप स्टीयरिंग का मॉडलर चेंज करके देखें और उसके बाद में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वायरिंग वगैरह जो भी है उसका मोटर वगैरह वो चेक करें। तो ये फॉल्ट अगर आ रहा है तो आपको मॉडलर ही डालना पड़ेगा। तो मॉडलर का प्राइस देखोगे आप तो करीबन 14,000 के आसपास है इसका, और हमने सेकेंड में इसको डाला है तो उसकी आधा पकड़ लो, तो इतनी इसमें कॉस्ट आई है। तो हमने अभी इसकी मॉडलर चेंज कर दिया और इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग का प्रॉब्लम था वो हो गया सॉल्व।